दोस्तों कैसे हैं, अच्छे लोग ऐसा कहते हैं फिर ठीक है। तो दोस्तों हम आज जा रहे हैं गांव को, ये देख लीजिए बदलीस बैठे हैं अंदर और इधर ये सारे लोग जा रहे हैं देख लीजिए। और ये हम चंडीगढ़ स्टेशन पे हैं, इस टाइम भीड़ तो नहीं है, हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट है। तो ये भाई लोग शाहजहानपुर जा रहे हैं, पर इन लोगों को बताना पड़ रहा है, मान नहीं रहे हमारी बात। राज कंपनी के ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी में लोड हो रहे हैं और इंजन भी हमारा वो देख लीजिए लग चुका है। दोस्तों आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा, वो देख लीजिए ये है। आज का भीड़ भड़ाका थोड़ा कम है तो हमने सोचा थोड़ी सी ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दूँ। इधर देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारी ट्रेन चंडीगढ़ लखनऊ एंड लखनऊ टू चंडीगढ़। वापस से ये ही कल रात के मतलब 12 बजे यही वापस आएगी फिर से यहीं इसी लाइन पे इसी टाइम। तो दोस्तों आज थोड़ा सा लेट है ट्रेन हमारी, इसलिए देरी से जा रही है। और मई जून में काफ़ी भीड़ वगैरह होती है यहाँ पर इस टाइम तो बहुत कम भीड़ है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब इन्होंने रूल एक चेंज कर दिया ट्रेन में आने का, क्योंकि पहले क्या करते थे दोस्तों, ट्रेन के 4 डिब्बे आगे और 4 डिब्बे पीछे लगे रहते थे। अब इन्होंने सिर्फ सारे के सारे डिब्बे पीछे कर दिए, बाकी सारे रिजर्वेशन एक साइड कर दिए और जर्नल डिब्बे एक साइड कर दिए हैं, स्लीपर के साइड में कर दिए, सारा सीरियल वाइज कर दिया। मतलब पहले आगे पीछे कर देते थे तो बहुत दिक्कत हो जाती यात्रियों को। तो जब भी आएँ और जब भी इधर आएँ तो इधर मतलब बैक साइड यानी कि जहाँ से ट्रेन आती उस साइड लगे पीछे साइड पर आएँ, और पीछे साइड ही सारे जर्नल के डिब्बे होंगे। और रिजर्वेशन वालों के लिए तो एक रिजर्वेशन का डिब्बा पकड़ लो किसी भी डिब्बे में, जोन सी सीट है आपकी उस डिब्बे में चले जाओ और उसमें जाके बैठ सकते हैं आप लोग, क्योंकि अपनी सीट अंदर ही अंदर ढूंढ सकते हैं। पर जर्नल में ऐसा नहीं, उसमें कंपार्टमेंट अलग अलग होते, सारे डिब्बे अलग अलग होते, तो दोस्तों उसमें नहीं आप बैठ सकते हैं। दोस्तों अभी ट्रेन के बारे में पूछा था कितने बजे जाएगी, तो ये करीब 6:35 पे जाएगी और काफ़ी लेट है ट्रेन, तो 6:35 पे चलेगी। अभी करीब करीब 1 घंटा है दोस्तों हमारी ट्रेन जाने को, तो काफ़ी भीड़ भड़ाका होने लग गया है, थोड़ी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। चलिए मिलते हैं 6:35 पे। डांस देख ले। सो दोस्तों अभी हम रुड़की पहुंचे, रुड़की स्टेशन ये देख लीजिए, ये रुड़की स्टेशन। क्या बोलेगा राम राम रटते रहो जब तक वट में प्राण, अभी तो दीन दयाल बड़े। अभी हम हरदोई पहुंच चुके हैं अपने ज़िले में यानी यूपी हरदोई। तो ये है रजनीश हमारे साथ और ये हमारी ट्रेन है जो कि हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, और ये है हमारा हरदोई ज़िला, ये देख लीजिए दोस्तों। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं सामने से। रजनीश कोलगेट वगैरह कर रहे हैं, माउथ फ्रेश वगैरह, तो ये देख लीजिए। और ये है हमारा हरदोई ज़िला, तो देख लीजिए सामने जूम करके दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। इधर कोई दूसरी ट्रेन आ गई है शायद, ये देखिए, अगर लोकल होगी तो हम भी इसी में चढ़ लेंगे और बैठ लेंगे, निकल लेंगे। चलो जल्दी चलो जल्दी। सो अभी हम जा रहे हैं अपने ये पुल के ऊपर से, पौड़ियों से,
हेलो, हमारा मंगल में इधर ये ट्रेन जा रही है। हाँ, हमारा ट्रिप सफर मंगलमय हुआ है। मंगलमय, और आप लोगों को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। जल्दी चलो, थक गया भाई। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दिया है। सपोर्ट करें, ऐसे ही देने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये इधर ट्रेन जा रही है दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद की साइड। बस दिखाओ। हेलो, हमारा हरदोई जिला है, बहुत बढ़िया है, दिल्ली से दिल वाला हरदोई जिला है। देखो, बहुत सुहाना मौसम, सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। और आगे के लिए आगे बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, चलो चलते। और बारिश का मौसम है, मतलब रास्ते में कई जगह बारिश हो भी रही थी। इधर अभी बारिश का मौसम है, हो सकता हो भी सकती है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। तो हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, ये देख लीजिए, बिठा लो। ये हमारे सामने, तो रिक्शे में हम लोग बैठ चुके हैं। अभी भाई भाई साहब ने रोक चुका है, और ये रजनीश चलते हैं। अभी ये देखो कितना टाइम लगाते हैं चलने में। हेलो भाई, हम निकल चुके हैं रोडवेज बस अड्डा के लिए और ऑटो में हैं। बहुत ही सुहाना मौसम, सुबह का टाइम है, मंदिर, और ये हमारा मंदिर है, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, श्रीमन्नारायण चरणो शरण प्रपत्ते श्रीमते नारायणाय नमः, राधे 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 राधे, राधे। दादा बैठे पानी पी रहे हैं, गाय माता को प्रणाम करो सुबह सुबह। जय श्री राधे श्याम। हे, हमारे यूपी में आम बड़ा सस्ता है, चंडीगढ़ में 70 रुपये किलो दशहरी आम, यहाँ पे 20 रुपये में 10 रुपये में आप पेट भर के खा सकते हैं। और अब हमें खाने का मौका मिला है, 1 महीना आए हैं, बिंदास खाएंगे, फिर चला। ये है हमारा हरदोई जिला। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो दुकानें वगैरह ज़्यादा खुली नहीं है। ये देख लीजिए, दुकानें वगैरह खुल रही हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भड़ाका वगैरह होता है। ये इधर को मतलब बेनीगंज वगैरह नीमसार वगैरह के लिए रोड गई है ये। काउंटर वगैरह मिला नहीं क्या? तो दोस्तों, हम बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर ही रह गया। ये देख लीजिए, बसें दिखना शुरू भी हो गई हैं। उपाध्याय जी दे देते हैं ना। भैया ये धक्का दी सही आ गया हमारा, आगे बस स्टैंड। दूसरी पार्टी मतलब रोडवेज बस पकड़ेंगे, हमारे यहाँ रोडवेज बस चलती है। तो वो भी तो चाहते होंगे कि पेंडिंग रहे, अभी चलता रहे। अरे ये तो ये सुखदेव ने बवाल कर दिया, नहीं हम तो खुद ही चाहते थे साला पेंडिंग चलता रहता। तो ये हम आ गए हैं यानी बस स्टैंड पे, और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन हरदोई। कहीं नहीं भैया, बालामो जाना है। तो अभी यहाँ से बस पकड़ेंगे, मेरा दोस्त गया हुआ है थोड़ा सा फ्रेश होने, तो उसका वेट करते हैं। तो बसें भी जा रही हैं, इधर दुकानें वगैरह खुलना शुरू हो गई हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। तो ये हमारी बस है, और चलिए बस के अंदर चलते हैं, बैग को बंद करते हैं, और ये उठाई बैग, ये चढ़ गए हैं मंदिर। कहाँ है? कहाँ बैठे वे? यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ कौन बैठेगा? कंडक्टर की सीट वो है, यहीं बैठ जाते हैं। चल, सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग
तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, ये देख लीजिए, ये जा रहे हैं, ये बैटरी के साथ में सभी हम लोग चलते रहे निकल रहे हैं दोस्तों बालामऊ के लिए। यहाँ से करीब करीब 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बालामऊ में, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप बालामऊ, नेक्स्ट एपिसोड बालामऊ का। तो चलिए दोस्तों, अब ये सीधी रोड बालामऊ के लिए जा रही है और हम लोग हरदोई से निकल रहे हैं दोस्तों। राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया, महावीर राम नाम। शंकर जी के पोता है वो, देखो रामदार बैठे भीड़ी धुंधवा रहे हैं। तो दोस्तों अब सीधा स्टॉप, मतलब दो तीन स्टॉप पड़ेंगे उसके बाद में सीधा बालामऊ स्टॉप है, अगला तीसरा चौथा स्टॉप बालामऊ है बस। तो ये है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ की जो हरदोई और लखनऊ की रोड थी ये काफ़ी छोटी थी और अब इसको क्या कर रहे हैं कि चौड़ी बना रहे हैं। तो इधर देख लीजिए काम वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो आगे काम वगैरह चल रहा है। इधर देख लीजिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं साइड में जो पानी वगैरह भरा है, तो इसका भी मतलब चौड़ी बन जाएगी, खुली डुल्ली रोड हो जाएगी, तो ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि अब इस रोड पे भी काफ़ी भीड़ वगैरह होती है। तो इसलिए दोस्तों इसको डबल रोड बना रहे हैं, मतलब डबल रोड, आने का अलग जाने का अलग। तो दोस्तों बहुत अच्छा बन जाएगी, तब काम वगैरह चल रहा है अभी इस रोड पर। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आधी रोड इधर की बनना शुरू होगी, स्टार्टिंग होगी, मतलब उस साइड तो अभी काम शुरू हुआ है पर इधर देख लीजिए बनना स्टार्ट हो गई है रोड। तो इतनी चौड़ी रोड बनेगी हमारी हरदोई और लखनऊ के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। यहां से एंड कर दिया, फिर आगे से शुरू कर देंगे। तो इसी तरह दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ से शुरू होगी बनना फिर से स्टार्ट। तो मैंने सोचा छोटी मोटी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ अपने इधर की। बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हैं गांव में, ये देख लीजिए नीरज, और ये तो इसकी तो वीडियो बनाते हुए आए, तो साथ में आए हमारे। और अब जा रहे हैं थोड़ा सा खेतों के साइड, थोड़ा टहलते हैं, देखते हैं उधर जाके। तो फाइनली दोस्तों हम अपने घर आ गए हैं और ये कृष्णा जी देखो बैग वगैरह खोलने लग गए हैं, बैग में लग गए हैं। इधर देख लीजिए, इधर नल वगैरह में पानी वगैरह उठ रहे हैं, ये मम्मी जी हमारी खाना वगैरह खा रही हैं, ये देख लो। और क्या ढूंढ रहे हो कृष्णा, कृष्णा ओ कृष्णा क्या ढूंढ रहे हो, हाय करो पहले, हाय ऐसे करो, हाय हेलो कर दो। शर्मा रहा है अभी थोड़ा सा, तो बस अभी अभी आया हूँ मैं। और इधर देख कर, इधर देख कर करो, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, कर दो, कह दो क्या हाल है, कह दो कैसे हो सारे लोग, कह दो कैसे हो सारे लोग, कैसे चले लोग। सो दोस्तों थोड़ा सा शर्म आ रहा है अभी, और आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह टूर ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।